कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन कराने का ये सारी जो ना वो डोंग की क्या जरूरत है 70 अरब रुपए खर्च करने की, एक आर्डिनेंस जो ना काकड़ साहब से जारी करवा दे, नवाज शरीफ वजीर आजम, चार सूबों के वजीर आला इनके, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह कि मेरे पाकिस्तान आना है, तो भाई ये डील हो चुकी है। लेकिन बात ये कि ये डील उनसे हजम नहीं हो रही है, नवाज शरीफ साहब उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि 3 दफा आए और वो चौथी दफा भी वही करेंगे, वो क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, वो अपने आप को पेश कर रहे हैं कि फिर मुझे देखा जाए। उन्होंने इनके ऊपर था देनी, इन्होंने थी, कोई एक जवाब नहीं आई और नैब की अपना गठजोड़ से हुआ, नैब ने कहा मानत कर दें, नैब ने कहा भरी कर दें, इसने मेरिट पे। अब अगली बार रेड कार्पेट बिछा के लंदन से बुला गया तो ये पाकिस्तानी आवाम किसी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जुमला नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा जनरल बाजवा को, मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा जनरल फेस को। मंदोखेल साहब, ये इमरान खान का जो साइफर का मुकदमा है सर, ये आपके आप समझते हैं इसका ट्रायल दुरुस्त हो रहा है और क्या चंद रिपोर्टर्स को जेल में कवरेज की इजाजत दे देने से इसको ओपन ट्रायल कहा जा सकता है? मनी ट्रेल पूरी फैमिली कोई भी जायदाद की सबूत दे दे, सबूत दे दे कि ये एवनफील्ड की जायदाद उन्होंने इस तरह खरीदी है, मैं वकालत छोड़ दूंगा। आप मुझे बता दो, पाकिस्तान की तारीख में आपने ऐसा शर्मनाक केस देखा होगा? या मोहम्मद नवाज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नवाज शरीफ को जिस तरह डील करके वापस लाया गया और इक्तदार की यकीन दहानी कराई गई और अब सब केसों में नवाज शरीफ को बरी किया जा रहा है, इस पर पीटीआई के सीनियर वकील अज़र सदीक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदोखेल ने अदालतों को और ख़ासकर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकोर को ऐसी खरी खरी सुनाई के मज़ा आ गया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। शरीफ साहब ने दो बयानिये अलमारी में रखे हुए हैं, वो तरक्की और खुशहाली की बात करते करते एहतसाब पे आ जाते हैं, फिर लगता है कहीं से कोई रद्द अमल आता है तो फिर दोबारा तरक्की और खुशहाली के ऊपर आ जाते हैं। अब आप देखें कि कोई दो दिन से फिर वो एहतसाब की बात कर रहे हैं, मुझे क्यों निकाला का विर्द कर रहे हैं, तो क्या कोई डील हो गई है या कोई पुरानी डील खराब हो गई है? देखें, बात यह है कि जब वो लंदन से चल रहे थे, आपके साथ प्रोग्राम्स में आ रहा था जी, और जहां पे भी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा था कि वो अपना बयानिया नहीं बदलेंगे, बिल्कुल कहा था। फिर 21 को उन्होंने जो लाहौर में तकरीर की उसमें भी उन्होंने मिक्स मैसेजेस दिए, और जैसे जैसे इलेक्शन कंपेन आएगी वो वहीं पर खड़े होंगे जहाँ सियासत होती है। ये राजनीति का खेल है, हर पार्टी अपने अपने इक्तदार के लिए कर रही है, नारा किसी का कोई भी हो, बात एक है कि पीएमएलएन हो, पीपल हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो जी। आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान के लोग कह रहे हैं ना, वो कितनी सीटें लेते हैं और कितनों पे लड़ेंगे, वो कह रहे हैं ऐवान सदर हमारा होगा। जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब कितनी सीटें लेते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि हम तालीम इदारों में क्या क्या, गवर्नर हाउसेज में क्या क्या कर देंगे, जो पीटीआई भूल गई थी सारा कुछ। तो सियासत खेल ही इम्कानात का है, दावों का है। तो आमिर अली खान साहब, क्या मैं ये समझूं आपकी बात से कि फिर इंतखाबी नारा है? चूंकि सवाल मैं ये करना चाह रही थी, बिल्कुल आपने शो में ये कहा कि हम चूंकि मिलते हैं, हमें पता है और मियां साहब वहीं खड़े रहेंगे, लेकिन सर ये एहतसाब में फिर तसलसल क्यों नहीं है? वो पॉज ले लेकर ये बात क्यों करते हैं? या मज़ाहमत की सियासत के बगैर रह ही नहीं सकते? और इस बार क्या जो छोटे भाई हैं वो बड़े भाई का साथ देंगे, डामाडोल तो नहीं होंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि 3 दफा आए और वो चौथी दफा भी वही करेंगे, वो क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, वो अपने आप को पेश कर रहे हैं कि फिर मुझे देखा जाए, और उनका राइट है, वो जा रहे हैं पूरे सिंध में, उन्होंने जलसे किए हैं, वो केपी में जलसे कर रहे हैं, बलोचिस्तान से वो मिल के आए हैं, पंजाब में बिलावल भुट्टो भी और आसिफ अली जरदारी दोनों मीटिंग्स कर चुके हैं। नवाज शरीफ का बयानिया आप जिस छोटे भाई का जिक्र कर रहे हैं, छोटा भाई बड़े भाई से बाहर नहीं जाएगा, ये बात आप ध्यान में रख लें। यहाँ नून और शीन के ख्वाब देखने वाले इसी शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में शेख रशीद बसते हैं, वो खुद कहाँ पे बैठे हैं? आपको पता है नवाज शरीफ ने जब इशारा दिया तो फाइनली शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। हमारे सियासतदानों का और सियासी जमातों का एक ही रिकॉर्ड है कि हमेशा लोग जाते हैं और हमेशा उनको वापस ले लिया जाता है। क्यों? यहाँ सियासत कभी जम ही नहीं सकी, यहाँ पे सियासत मिली ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, और फिर जब लोग महकमा जरात से, जिसे जनूबी महाज का आपने नाम दिया, यही आया था ना, वो सरतापा चेयरमैन नैब प्रेस रिलीज दे रहे थे और महकमा जरात काम कर रहा था और लोगों को उठा उठा के पीटीआई में शामिल किया जा रहा था। जरा बताएं फिर आगे इन तमाम बातों में एक ऑप्शन और भी तो हो सकता है ना, कि मियां साहब इस वक्त अगर एहतसाब की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई है कि भाई एहतसाब की बात हल्की फुल्की करेंगे, सिर्फ नारे की हद तक करेंगे लेकिन रेड लाइन को हम क्रॉस नहीं करेंगे? और क्या आपको लगता है मियां साहब फिर जिनके एहतसाब की बात कर रहे हैं उनका एहतसाब हो भी सकता है? देखिए, उन्होंने जनरल मुशर्रफ वाले एहतसाब की बात भी कर दी, और अगर आप सियासी जमातों के एहतसाब की बात करते हैं तो जिस लाड प्यार से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनाया गया था, तो वो क्या कह रहे थे मिसाक जमहूरियत के बाद के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों मिल गए हैं और ये एक दूसरे को एनआरओ देते हैं, ये नहीं पकड़ते, मैं पकड़ने आया हूँ। क्या मिला उस पकड़ने के नतीजे में? आज वो नेक्स्ट स्टॉप पटियाला का गाना लगा गाना के वहां बैठे हुए, कुछ मिला उससे उस इंतकाम की सियासत से? यहाँ पे जब भी कोई पोलिटिकल आपको सारों को कंसेंसस करना होगा तो उसके अंदर ये 2-3 चीजें होंगी कि आप आगे चल सकते हैं या नहीं चल सकते, या दायरों के सफर में ही हमने ये करना है, जिस तरह हम लोगों को बार बार तोड़ के वापस लाते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो ये रिप्रोचमा कभी तो होना है। अभी वो इलेक्शन से पहले शायद ना हो सके, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन इलेक्शन के बाद शायद एक मुझे एक ऐसी गवर्नमेंट नजर आ रही है जिसमें नए सिरे से बहुत सारी चीजों के ऊपर एक नए रास्ते बनाए जाएंगे। मंदोखेल साहब, आप ऐसे ही लगता है? और आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ ने दोबारा एहतसाब की बात क्यों शुरू कर दी है? क्या आप भी समझते हैं कि वाकई उनका इंतखाबी नारा है या सर कहीं बीच में कोई गड़बड़ हो गई है?
नहीं, वो जो कहते हैं ना कि बाज गाड़ियों में कहते हैं कि वो टेक्निकल फॉल्ट है, आप बहुत सारे जो मॉडल की गाड़ियाँ होती हैं ना वो टेक्निकल फॉल्ट होता है, यहाँ भी मुझे टेक्निकल फॉल्ट नज़र आ रहा है। और आपको ख्वाजा आसिफ की बात याद है कि उसका नवाज शरीफ जीरो रिस्क पे आएगा जी। और राणा सनावला ने कहा जीरो रिस्क पे नवाज शरीफ आएगा, और फिर शहबाज शरीफ साहब चले गए नवाज शरीफ साहब को लेने के लिए, और वापस लाहौर आ गए उसके इस्तकबाल के लिए। और यही जुमला नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा जनरल बाजवा को, मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा जनरल फेस को, मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा उस बेंच को जिसने मुझे नायल कर दिया है। और उस बेंच में दो जज तो रिटायर हो गए, तीसरा जज इस वक्त सीनियर जज है, सीनियर तरीन है, और अक्टूबर 2024 में वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाने वाला है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ साहब भागा दोबारा, और पता नहीं क्या मिनट समाजत करके, और फिर इसाक डार को आपने देखा, उसने नवाज शरीफ चाहे ना वो इंतकाम ही लेगा। की बात ठीक है, आपने आमिर इलियास राणा साहब की बात सुनी कि वो बिलावल के हवाले से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शायद बिलावल खुद ये चाह रहे हैं। और ये बात है भी ना कि अगर कोई लाडला नहीं होता तो वो लाडलेपन के लिए, लाडला बनने के लिए खुद को पेश भी तो कर रहा होता है ना। अब पहले आप कहते थे कि इमरान खान लाडला है, अब बिलावल कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ लाडला। जरा हमें बताएं तो सही कि असल लाडला है कौन। देखिए 2013 में आरोस का इलेक्शन था, जरदारी साहब कह चुके हैं जी। 2018 में सिस्टम बिठा के बिलावल साहब ने सेलेक्टेड का खिताब दिया है। आज हम तो 3 महीने पहले सेलेक्टेड का खिताब दे रहे हैं, पिछली हुकूमत में तू जीतने के बाद या जिताने के बाद हम दिया, आज तुम 3 महीने पहले कह रहे हैं। आप मुझे बता दो, पाकिस्तान की तारीख में आपने ऐसा शर्मनाक केस देखा होगा कि जो शख्स अदालत से सजा होता है और फिर वो शाही प्रोटोकॉल में चले जाते हैं सऊदी अरब, वहां मुआहदा करता है 10 साल का, और 6.5 साल के बाद उसको मूड बन जाता है पाकिस्तान आने का, और सारे मुआहदे तोड़ के आता है और अदालतें के आइए क्या रिलीफ चाहिए हम आपको देने को तैयार है, और वो रिलीफ भी मिल जाता है, सजा खत्म हो जाती है। फिर 2017 में फिर ये शख्स सजा याफ्ता हो जाता है, सजा याफ्ता होने के बाद फिर एक जहाज खड़ा होता है और संदूकों और बक्सों के साथ फिर वो लंदन चले जाते हैं, और 4 साल बाद फिर उसका मूड बदल जाता है कि मैंने पाकिस्तान आना है। तो भाई ये डील हो चुकी है, लेकिन बात ये कि ये डील उनसे हजम नहीं हो रही है। शहबाज शरीफ साहब उसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं सर, मुझे ये बताइए कि मियां साहब जो अपने साथ ज्यादतियों की बात करते हैं वो किस हद तक हकीकत के करीब है। और पीटीआई तो कह रही है कि जी मनी ट्रेल नहीं दे सके थे इसलिए उनको जो सजाएं हुई वो ठीक है, क्या आप भी समझते हैं कि ट्रायल से पहले ही उनको ताहयात नाहल किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप समझते हैं ये फैसला ठीक था? एहतसाब अदालतों में अल अजीजिया और ये जो एवन फील्ड है इसमें सजाएं दी गई, ये दुरुस्त है सर, या आप समझते हैं सजाओं में कोई लूप होल्स रहे? पारस कानूनी जबान में एक बात है, मुदई सुस्त गवाह चुस्त। नवाज शरीफ साहब के केस का मैं नहीं कहता हूँ वो सच्चा है, मैं नहीं कहता हूँ वो झूठा है, ये भी नहीं कहता हूँ भाई, जो केस की वीडियो आ गई, एक जज पकड़े गए जज अरशद मलिक, और दो किरदार थे नासिर बट और खुरम, नासिर बट लंदन चले जाता है, खुरम को वो केसों में उलझा देते हैं, बंद करते हैं, और ये शख्स शाही प्रोटोकॉल में चले जाते हैं। भाई आईन का कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कोई ऑडियो वीडियो किसी केस में सबूत के तौर पे है उसके बाद किसी गवाही की जरूरत नहीं है। मैंने नून लिख के कई एमएनए हजरात को बोला था आपका केस बड़ा सॉलिड है, आप केस चला इस वीडियो बेस पे, ये मुल्क से फरार हो गया, केस नहीं चला है। तो आप मुझे बता दो, दोबारा आता है 20 दिन के बजाय 4 साल बाद आता है, भाई एक बंदा खुद भागा है मुल्क से, वो एक बंदा खुद इतना डरपोक है, मतलब वो अपना जो छोटा केस था झूठा केस था उसको नहीं चला सका। मैं कौन होता हूँ खुद उसने केस को सच्चा साबित कर दिया। अगर एक तो मियां साहब एहतसाब 2.0 की बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में मियां साहब तसलसल से एहतसाब की बात क्यों नहीं करते, वो वक्फे वक्फे से एहतसाब का मुतालबा क्यों करते हैं, और जो उनके मुतालबात हैं जो वो कहते हैं मेरे साथ ज्यादतियां हुई हैं सर वो जायज नहीं है कि वो कहते हैं हमारे खिलाफ गलत मुकदमात बनाए गए हैं और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया हमें? अब देखिए जहां तक तो ये बात कहना कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया ये तो फाइन बात नहीं है। मिसाल के तौर पर खान का देख ले, इमरान खान पहले लिबर्टी पार्टी में मेरे अभी वजीराबाद में क्या कुछ हुआ, क्या खानदान घर में क्या कुछ किया, इस तरह का कुछ शब्द बता दें इनके ऊपर हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लाडले से लाडले है, देखिए सिंपल सी बात है, लाडले कैसे हैं कि इनको निकालते निकले हैं और आप कानूनी तौर पर निकले हैं। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में भी, मियाँ साहब आज भी मनी ट्रेल इनकी पूरी फैमिली कोई भी जायदाद की सबूत दे दे कि एवन फील्ड की जायदादें उन्होंने इस तरह खरीदी हैं, मैं वकालत छोड़ दूंगा, मैंने इनकी इनकम टैक्स की रिटर्न एक एक चीज मैं देख चुका हूँ, उदारा ये जुल्म मत करें। एवन फील्ड की जायदादों के सबूत बता दें इनके पास है कि नहीं, ये बोनस इनके ऊपर था, देनी इन्होंने थी, कोई एक जायदाद नहीं आई, और नैब की अपना गठजोड़ से हुआ, नैब ने कहा जमानत कर दें, नैब ने कहा बरी कर दें, इसने मेरिट पे। अब अगली बात आ जाए, अल अजीजिया की बात आप कर रहे हैं, अल अजीजिया में जज पे कितने संगीन इल्जाम लगाए, इमरान ने अगर इल्जाम लगाए थे तो इमरान ने तो इन अदालत मुक्ति केस रोक दिया, आज बड़े आराम से पीछे हट गए हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, लेके आए जज के बारे में जो बातें कर रहे हैं, सबूत हमारे पास
ना, आपको पता है उसमें 1.5 अरब रुपया जुर्माना है, $25 मिलियन यानी आज नैब बैठे बातें कर रही है कि 10 अरब रुपया पूरे परफॉर्मेंस दे रही है। हाँ। तो भाई 1 अरब रुपया तो इनकी तरफ जुर्माना है। सर मुझे आपकी बातों से लग रहा है आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को जो समाधि में वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या कोई ऐसी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं या है कि ट्रायल मुकम्मल होने से पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताहियात नाइल कर दिया गया हो और फिर कोई अपील का हक भी ना हो और फिर वो निगरान जज बिठा दिए जाए, तो वो यही ज्यादतियां बताकर तो वो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आज मियां नवाज शरीफ खानदान का या इनके वकील कोई भी 1-to-1 मेरे साथ आ जाए। देखिए सजा क्या हुई है, एवन फील्ड जो पहली बात है पनामा के अंदर मिस डिक्लेरेशन के ऊपर 62(1) एक्ट के तहत फिर उन्हें मिस डिक्लेरेशन की थी, यानी उसका पनामा से ताल्लुक तो है नहीं। भी जब भी एक आमदन तनख्वाह लेते थे तनख्वाह डिक्लेयर करनी थी, डिक्लेयर करनी थी, सजाएं उनको हुई है मनी यानी जायदादें खरीदने के ऊपर, वो नहीं दी उन्होंने, ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है। यार तो बताए ना कि क्या ऐसी चीज है, कुछ नहीं है। मैं अगली बात आपकी तरफ आऊँ, देखिए 85 का प्रोजेक्ट है नवाज शरीफ, यानी कैसा मुल्क है कि हम 85 के प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, आज भी हमारी मुकदरों का फैसला नवाज शरीफ करेगा, खुदा रहा छोड़े इस बात को, आज आप आ चुके हैं 2024 के अंदर। तो मंदो खैर साहब, ये इमरान खान का जो साइफर का मुकदमा है सर, ये आपके आप समझते हैं इसका ट्रायल दुरुस्त हो रहा है, और क्या चंद रिपोर्टर्स को जेल में कवरेज की इजाजत देने से इसको ओपन ट्रायल कहा जा सकता है? देखिए जब ऑफिशियल का नाम आ जाता है तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत पाकिस्तान से ताल्लुक है और उसका सिक्रेसी से ताल्लुक है, यकीनन वो है। हमारे दौर में आसिफ अली जरदारी साहब ने आर्टिकल 10 है इस आईन का हिस्सा बनवाया 18वीं तरमीम के ज़रिए, जहां एक मुलजिम को अपने वकील तक और अपनी फैमिली तक और फेयर ट्रायल की सारी वो सहूलियतें मुहैया होंगी। अब ये इनकी वकला का काम है, अगर कहीं वायलेशन हो रही है तो उस वायलेशन को उसी आर्टिकल के तहत चैलेंज किया सकता है, जेएन मैनुअल के तहत चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा ये जरा बताइए, देखिए सर उनके वकला कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा ये बनता ही नहीं है। पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन साहब, लतीफ खोसा साहब भी यही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये एक साजिश थी जिसका वजीर आजम को पता चला और उसने अपनी आवाम को बता दिया। देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इमरान खान साहब का केस भी नवाज शरीफ साहब का केस बन जाए। जो केस नहीं बनता है तो वैसे ख़त्म हो जाएगा, एविडेंस चलाने के बाद वैसे ख़त्म हो जाएगा। और या अगर उसी तरह रिपीट करना है, नवाज शरीफ साहब की वीडियो आ गई है, सब आ गया, वो चले गए, अभी जज साहब पूछ रहे हैं कि भाई इसमें तो गवाही नहीं है, इसमें तो नैब जो है केस विड्रॉ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जेल के अंदर है, फेस कर रहे हैं और उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए जो नवाज शरीफ साहब ने की है। अब वो जितने भी पाकिस्तान में अगर जो एक गुस्सा पाया जाता है या एक जोश पाया जाता है या पीटीआई के वर्कर में या पीपल्स पार्टी के वर्कर में, वो सिर्फ इस वजह से कि जिस तरह एक मुजरिम को रेड कार्पेट बिछा के लंदन से बुलाया गया, तो ये पाकिस्तानी आवाम किसी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इलेक्शन करा लो, बिलावल साहब ने ठीक कहा था, आप इलेक्शन करा लो, सेलेक्ट करा लो, मानेगा कोई? मैं दावे के साथ कहता हूं पीपल्स पार्टी का एक भी MNA असेंबली में हुआ, मैं आपको बताऊं ना कि आराम सर अगर इलेक्शन मनो खेल साहब इलेक्शन होते हैं और इन इलेक्शन में नून लीग जीत जाती है, तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन को कबूल नहीं, उनके रिजल्ट्स को कबूल नहीं करेगी? क्योंकि 2013 में भी आपने जिक्र किया था RTS का इलेक्शन कहा जरूर, लेकिन पार्लियामेंट में जाकर बैठ गए थे आप। पारस हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन कराने का ये सारी जो ना वो डोंग की क्या जरूरत है 17 अरब रुपए खर्च करने की? एक आर्डिनेंस जो ना काकड़ साहब से जारी करवा दे, नवाज शरीफ वजीर आजम, 4 सूबों के वजीर आला इनके, अल्लाह खैर सलाह, ये सारा टीवी टॉक जब खत्म हो जाएगा। जब हम यही कह रहे हैं कि आप 3 महीने पहले हम निशानदेही कर रहे हैं, हम इलेक्शन हारने के बाद नहीं कह रहे हैं, जब 3 महीने पहले आप इतने बड़े प्रोटोकॉल दे रहे हो, इतना सब कुछ दे रहे हो, सरकारी अफसरान वफाकी काबिना सब इनके है, बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपने तय कर लिया है कि अवाम के मंडेट को कुचलकर इकतदार भगोड़े नवाज शरीफ को ही देना है, तो अवाम का 70 अरब रुपया आप ज़ाया क्यों करना चाहते हैं? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से कहें कि एक नोटिस जारी करें और भगोड़े को वज़ीर आज़म बना दें, ताकि अवाम का 70 अरब रुपया भी बच सके, और अवाम को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे बिला वजह क्यों लगा कर रखा हुआ है? नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।